कि अगर पुणे की तरफ से निकलना है तो सुबह सुबह निकल जाओ। अपनी बाइक चली है 173 किलोमीटर मॉर्निंग से, माइलेज 39.5। दोपहर के 1:30 और हम लोग क्रॉस कर रहे हैं शोलापुर। स्पीड नहीं तोड़ा, माइलेज पूरा तोड़ दिया बाइक का। हे, गुड मॉर्निंग पब्लिक, क्या चाल? हर हर महादेव। चलो आज अपना एक और राइड चालू। ऑलमोस्ट रेडी हैं, जैकेट डालना है एंड निकल जाना है। टाइम 5:50 और 6 बजे का प्लान है बाइक स्टार्ट करके निकलने का। सो गेट सेट को, अपना प्यार बनाए रखो और लाइक सब्सक्राइब वाला काम तो करते ही रहना। बाकी डिटेल जो है मिलते हैं बाइक से। ऑलमोस्ट हम लोग 1 घंटे लेट हैं, इतने दिनों के बाद राइड, तो थोड़ा सा रस्टीनेस है बॉडी में, टाइम के साथ चला जाएगा। बाइक पे जैसे बैठेंगे ना थोड़ा टाइम और मज़ा आ जाएगा और फिर वापस से अपना राइडर मूड चालू हो जाएगा। मिलते हैं बाइक पे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सनराइज व्यू फ्रॉम पवई लेक। ओ सनराइज हो रहा है वहाँ। वी आर लेट, वेरी मच लेट, पर कोई नहीं, बात है, इतने दिनों के बाद निकले हैं तो इतना तो चलता है। ऑल सेट, मैप रेडी, मीटर ज़ीरो, और अब कर लवांगे। चलो इससे पहले पुणे में थोड़ी ट्रैफिक मिलेगी, हम लोग मुंबई क्रॉस कर ले फटाफट। जय सूरज देवता, जय भगवान, हर हर महादेव। यार समझ में नहीं आ रहा है, रिकॉर्ड हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो कौन सा हो रहा है। चलो कोई नहीं यार, बस सभी गोप्रो ऑफ करते हैं, जहाँ रुकेंगे वहाँ चेक कर लेंगे। जस्ट क्रॉस पुणे का ट्रैफिक, जस्ट अभी बैंड बज गया। इट टुक्स अराउंड 1 आवर टू क्रॉस पुणे। पुणे क्रॉस किया एक पेट्रोल पंप, फ्रेश अप होने के लिए और थोड़ा पानी पीने के लिए। सो फार सो गुड। बस अभी अब एक तलब है नारियल पानी पीने का, देखते हैं आगे कहीं रुकते हैं, नारियल पानी पीते हैं, देन फिर आगे। यहाँ से 10 घंटे और एज पर मैप, होपल 10 घंटे से पहले ही पहुँचेंगे। चलो एक प्रोटीन बार एंड देन फिर आगे। हाँ इतना तो समझ में आ गया कि अगर पुणे की तरफ से निकलना है तो सुबह सुबह निकल जाओ। अपनी बाइक चली है 173 किलोमीटर मॉर्निंग से, माइलेज 39.5, नॉट बैड। चलो ट्रिप ए को ही रखते हैं, निकलते हैं यहाँ से। तो मॉर्निंग में हम लोग लेट हो गया निकलने में ही, अलार्म गलत सेट हो गया, नींद खुली लेट से, और एज़ यूजुअल इतने दिनों के बाद राइड पे निकले हैं तो चीज़ों को कैसे मैनेज करना है ये थोड़ा सा टाइम लग गया इन सब में। नेवरदलेस मॉर्निंग में थोड़ा सा यूज्ड टू होने में समय गया, 1 घंटे के अराउंड, बट उसके बाद बाइक ने जो अपनी परफॉर्मेंस पकड़ी है, वाह मज़ा आ गया। अभी बस ये जो सिग्नल वाला चक्कर है इससे बाहर निकले, प्रॉपर हाईवे पर पहुंच के ना मस्त सा नारियल पानी पीना है, अगर मिलता है तो, मिल जाना चाहिए। अभी प्रोटीन बार खा लिया मैंने, पानी पी लिया है, तो अभी कुछ देर के लिए तो
कुछ देर के लिए तो अपना राहत की सांस, और सबसे इम्पोर्टेंट वॉशरूम यूज़ करना था यार। ओ हो, ना अपना बड़ा टारगेट ना सोलापुर पहुंचा जाए, देखते हैं कब तक पहुंचते हैं वहाँ। टाइम टू रिफ्यूल आवर बाइक, HP का पेट्रोल पंप मिला बहुत दूर आने के बाद। अभी यहाँ पे लीजिए भाई साहब, यहाँ ओनली डीजल मिल रहा है क्या यार, सिंगल कांटा बचा हुआ है अभी, अपना सिंगल डंडे पे गेम चल रहा है दोस्त। पेट्रोल हो गया फुल, 980 रुपये का 9.17 लीटर, जिसमें चला है 311 किलोमीटर। जस्ट पेट्रोल हमको बगल में मिल गया अपने को, जूस, गन्ने का जूस, मत जानी लाइफ, नाउ फीलिंग वे बेटर, वे बेटर। दोपहर के 1:30 और हम लोग क्रॉस कर रहे हैं सोलापुर, और ये हमने ले लिया लेफ्ट हैदराबाद के लिए। अभी अब रास्ते में कहीं रुकना है, जलपान करना है, लंच करना है, थोड़ा हाथ पाँव सीधा कर लेना है। हम लोगों ने 424 किलोमीटर बाइक चला ली है सुबह से। गूगल माता बता रही है 6 घंटा लगेगा, और स्पीड तोड़ के हम लोगों ने, स्पीड नहीं तोड़ा, माइलेज पूरा तोड़ दिया बाइक का। एंड बता रही है 7:30 तक हम लोग पहुंच जाएंगे हैदराबाद। अपना गरुड 10 out of 10, बस इसके नाम का धकूरा, बाकी सब घास कूड़ा। इस बस एक प्रॉब्लम है, इसका टैंक बहुत छोटा है यार, हैदराबाद पहुँचने से पहले को फिर से रिफ़िल करवाना होगा। चलो इसका तो रिफ़िल का हो जाएगा व्यवस्था, अभी अपना पेट पूजा का कुछ कर ले। यहाँ होटल वैष्णवी में रुके हैं अभी फॉर लंच। समय हो रहा है 1:50, पीछे अपनी बाइक फुली लोडेड, अपना एक बैग, टॉप बॉक्स, और ये टैंक बैग खोल के रखेंगे। सो पीछे होटल। सो फॉर अभी तक राइड अच्छा रहा है, बाइक का परफॉर्मेंस अच्छा है, रोड बहुत सही है, सोलापुर तक का रोड तो बहुत अच्छा है। आगे का पता नहीं, आगे शायद कहीं कहीं कुछ पैचेस मिले, पर पहुंचेंगे अपने टाइम से, क्योंकि अपने को चेन्नई का मैच भी देखना है। मन तो नहीं था रुकने का, लेकिन फिर आगे कुछ मिलता नहीं मिलता, सोचा रुक लेते हैं, थोड़ा धूप भी कम हो जाएगा। धूप बहुत ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त धूप। कैसे दिखेंगे फिलहाल, अपडेट यही है। चलो दाल फ्राई खाया जाए, सामान सब डाल दिया यहाँ, छोटा सा होटल जैसा ही है, पर हाईवे पर ढाबे से बेटर और क्या हो सकता है खाने पीने के लिए। अच्छा काम कर रहे हैं, अपना कमा रहा है, खा रहा है। जैसा लो कैमरा 10,000 में भी आता है, 80,000 में भी आता है, जैसा कैमरा लो वैसा। मुंबई अभी जा रहा हूँ, मंदिर श्री सल्लम मंदिर है ना हैदराबाद के आगे, मल्लिकार्जुन, हाँ उसके बाद फिर रामेश्वरम। हाँ नाम क्या है? विशाल। चल बढ़िया, ये सब्सक्राइब कर लो।
ठीक है। चलो भाई थैंक यू विशाल, मिलके अच्छा लगा। और हम लोग का यहाँ पे ब्रेक हो गया 40 मिनट्स का, 50 मिनट का ब्रेक कंप्लीट। फ्रेशन अप, हैदराबाद में होटल भी बुक कर लिए फाइनली, जो कि नहीं किए थे अभी तक। तो और अब सफ़र चालू हो गया है वापस से। 2:41 हो रहा है, टारगेट है 7:30-8 के बीच में पहुंचने का। यहो, अपने बाइक का फर्स्ट 500 किलोमीटर कंप्लीट इन अ सिंगल डे। यस यस, ऐसे कई माइलस्टोन इसको अचीव करने हैं, ये तो पहला ही छोटा सा है। अपना थंडरबर्ड नंदू ने ही अचीव किया था जब हम लोग राजकोट जा रहे थे उस टाइम पे, फर्स्ट 500 इन अ डे। 3:33 आफ्टरनून के और हम लोग मॉर्निंग से 500 किलोमीटर आ गए। यस, जहाँ पे लंच किया था वहाँ तक तो रास्ते बहुत शानदार, बहुत अच्छे थे, बट उसके बाद से ऐसा लग रहा कि मैंने लंच ही क्यों किया था। इतना डाइवर्जन और इतने ऐसे पैचेस ना, तौबा, सारा मूड ख़राब कर दिया। अबे नहीं यार, इतना स्पीड में आके ना फिर ऐसे ब्रेक करना पड़ता है, स्पीड तोड़ना पड़ता है ना। सी, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डाइवर्जेंस। सडनली स्पीड की माँ की आँख। चलो कोई नहीं, अब हाईवे पे निकले तो ये सब देखने को मिलेगा। फाइनली वी एंटर्ड इन तेलंगाना NH-65। गुजरात, MP, UP, बिहार, झारखंड 5, कर्नाटका टच करके निकले हैं 6 और 7 तेलंगाना। पेट्रोल तेलंगाना में 110.58 रुपये आएगा, 8 लीटर आएगा। डालो स्पीड में, डालो 8 लीटर आएगा। हाँ मिनिमम 8 लीटर आएगा, 8 लीटर से ज़्यादा आएगा। फ्रेंड्स, तो फाइनली पहुंच गए हैदराबाद 7:50 में पहुंच गए। चेकिंग भी कर लिया, रूम ओवरऑल ठीक है, कल सुबह यहां से निकल जाना है। और राइड बहुत अच्छा था, मज़ा आ गया। टोटल जो किलोमीटर हम लोगों ने चलाया है अराउंड 747 किलोमीटर। एंड सुबह 6:30 बजे निकले थे, 7:15 में पहुँचे हैं, 1.5 घंटा ब्रेक लेने के बाद भी ब्रेक किया है, टाइम ब्रेक किया अपन लोगों ने। चलो यही बेनिफिट चाहिए था मुझे, जिसकी वजह से नई बाइक ली थी मैंने और सामने है रिजल्ट, सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक वीडियो देखने के लिए और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए। ऐसे ही प्यार सपोर्ट बना के रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर दीजिए, क्योंकि एक नया सीरीज़ है कि हम लोग का जो डेस्टिनेशन है वो कल हम लोग पहुँचेंगे फर्स्ट अपना डेस्टिनेशन। तो ट्रैफिक में शहर में जाके फ़ायदा नहीं है, अभी रमज़ान चल रहा है तो शाम होते ही ट्रैफिक लग जाएगी, पूरा भीड़ हो जाएगा, अवॉइड करना ज़्यादा सही डिसीजन होगा। तो इसीलिए आउटर में ही हम लोग रुके हुए हैं और आउटर से आउटर ही कल सुबह में फिर निकल भी जाएंगे अपने डेस्टिनेशन के लिए। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच एंड
क्या करना है पता ही है। चलो बाय बाय।